This is Nidhi Soni and today we are here to introduce marketing executive Ms. Isha ma'am. तो आज हम marketing executive जो है Isha ma'am, उनसे हम जानेंगे कि आखिर marketing की क्या क्या important things होती हैं और किस तरह से marketing हमारे यहाँ एक important role play करता है, ऐसा हम इनसे जानेंगे Isha ma'am से. तो Isha ma'am, आज आप बताइए हमें marketing के बारे में और अपने बारे में कुछ important बातें. मेरा नाम ईशा जय है, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ. मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मार्केटिंग करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए या किसी भी चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है. मार्केटिंग करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है, जिसमें फर्स्ट रेगुलेशन ये होता है, रूल्स ये होता है कि आप अगर किसी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप अपनी बातों को सामने वालों के सामने कैसे मतलब प्रस्तुत कैसे हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं और सामने वालों की थिंकिंग को भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है. तो आपने ये मार्केटिंग का वर्क कब से स्टार्ट किया? ये मैंने 2017 से 2017 से कर रही हैं. यस सर. अच्छा, तो मतलब 2017 आपने एज अ प्रेसर वर्क किया होगा. यस सर. अब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, अभी आपको कितना टाइम हो गया ये वर्क करते? ये 4 इयर्स हो गया मुझे. 4 इयर्स हो गया, मतलब आपको मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज. यस मैम. तो मैम, आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मार्केटिंग करती हैं कि कैसे? मैं एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो मतलब आप एजुकेशनल फील्ड से जुड़ी? यस मैम. तो आपने बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स विजिट किए होंगे? यस मैम. तो आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है? यस मैम, होता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जनरली मैंने जिन बच्चों से मिला है, CGMP बहुत सारे एरिया को हमने कवर किया है एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों को हम लोग एज अ करियर गाइड करते हैं, कि जैसे बच्चे को नॉलेज नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बायोलॉजी से, तो उनको ये नहीं पता होता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, हम BSc नर्सिंग कर सकते हैं या प्लेन BSc कर सकते हैं. बहुत सारे बच्चों को पैरामेडिकल से बहुत सारे कोर्सेज हैं, BMLT, DMLT, ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में नॉलेज नहीं होता बच्चों को. मतलब 12th करने के बाद ये पता नहीं होता कि नेशनल उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आप लोग जाके ये सब डिटेल्स बताते हैं. यस मैम, बच्चों को हम एज अ करियर गाइडेंस गाइड करते हैं. वाह मैम, आपने तो बहुत ही अच्छा वर्क, मतलब आपने ये सिलेक्ट किया. तो क्या आपने पहले से ये सोचा था कि आपको मार्केटिंग की फील्ड में जाना है या कुछ और सोचा? नो मैम, मैं जनरली एग्रीकल्चर फील्ड से थी, बट मुझे अच्छा लगा ये फील्ड, तो फिर मैंने ज्वाइन किया. फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा लोगों को समझाना. पहले तो मैं बोलना नहीं जानती थी सभी के सामने, बट हमारे साथ मेरे क्या मैम खुद बता रही हैं आपने आपसे कि मतलब मैम ने जब स्टार्ट किया था तो वो भी बहुत ज्यादा वीक थी. तो इसका एक आपके लिए ये एक मोटिवेशन हुआ कि अगर मैम अभी इतनी अच्छी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन गई हैं और इनका भी बेसिक जो था, जब इन्होंने एज अ प्रेसर वर्क किया तब उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने आज वो इतनी अच्छी जगह पे. तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं मार्केटिंग में अगर जाना चाहते हैं. तो आपके लिए धीरे धीरे हम इनसे कुछ कुछ गाइडेंस लेते रहेंगे और आपको अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी बताते रहेंगे. और मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ आपको? यस मैम, मुझे क्या था, देखिए जनरली मुझे बाहर जाने नहीं मिलता था, बट जब मैं मार्केटिंग करना मैंने सीखा, तब मैंने एक एक गांव पे, एक एक एरिया पे, CGMP बहुत ही कम ऐसा एरिया होगा जहाँ पे मैंने कहीं मतलब विजिट नहीं किया. एज अ मार्केटिंग करते करते मैंने बहुत सारी एरिया पे घूमा भी, हर कुछ जाना, क्योंकि मार्केटिंग करते करते जितना हमारा बॉडी जो होता है, माइंड होता है, वो उतने ज़्यादा होता है. जितना जो प्रिंसिपल होते हैं वहाँ के, वो हमको अपने बगल पे बैठाते हैं, मतलब हम जिस लायक नहीं होते उस लायक हमको वहाँ पे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलती है. तो अगर आप मार्केटिंग में अपना करियर ढूंढ रहे हैं तो दिस इज अ वेरी गुड फील्ड. एंड आज जो भी चल रहा है उसमें डिजिटल मार्केटिंग और जो आपकी वर्चुअल जो मार्केटिंग चल रही है वो सब इंक्लूड है. तो मार्केटिंग चल रही है वो सब इंक्लूड है. तो मैं नॉट कुछ बताना चाहेंगे और बस इतनी ही मैम. अगर कोई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑफर है, बेस्ट जो करियर के. तो मैम, अगर हमारे कुछ
जानकार जो भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं इसे, तो अगर उन लोगों को कभी मार्केटिंग के फील्ड में कुछ जानना हुआ तो आप इन्हें गाइड करेंगे? यस मैम बिल्कुल, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल गाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग जो भी आज इसे देख रहे हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए ईसा मैम आपको गाइडेंस दे सकती हैं। ईसा मैम 4 ईयर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस्ड है, तो अगर आप उसे कोई भी चाहता है मार्केटिंग को फील्ड को ज्वाइन करना या फिर उसकी बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज तक, तो आप ईसा मैम हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपका कॉन्टेक्ट कराएंगे ईसा मैम से। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।